सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम, प्रणाम मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में श्री नारायण उपस्थित हो गया है भाई। दिन विशेष लेकर जो है 2 सितंबर के, जी हाँ बहनों भाइयों, जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, स्मृति दिन, आज का विचार और आज का सवाल, जिसका जवाब होगा वीडियो के अंत में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको सवाल का जवाब मिल सके। तो चलिए बहनों भाइयों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले ये रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारी का जो पैकेज है, एक में वो पैकेज जिसका नाम है दिन विशेष विद NGC यूट्यूब चैनल। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और भाई आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा। तो चलिए बहनों भाइयों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और आज के सुविचार के साथ। आज के 2 सुविचार छोटे छोटे सुविचार हैं, इसलिए 2 सुविचार भाई। तो पहला सुविचार यह है कि इंसान महान नहीं होता, इंसान द्वारा किया हुआ कार्य महान होता है। जी हाँ बहनों भाइयों, फिर एक बार, इंसान महान नहीं होता, इंसान द्वारा किया हुआ कार्य महान होता है। दूसरा सुविचार, कामयाबी शतरंज की तरह होती है, जिनको हारना आता है उनको जीतना भी आता है। जी हाँ, कामयाबी शतरंज की तरह होती है, जिनको हारना आता है उनको जीतना भी आता है बहनों भाइयों। तो ये हुए आज के 2 सुविचार। अब आज का सवाल, जो बहुत ही रोचक सवाल है, सवाल यह है कि किस देवता का मंदिर पूरे विश्व में सिर्फ एक ही है। जी हाँ बहनों भाइयों, बहुत ही ढूंढ कर निकाला हुआ ये सवाल है। तो फिर एक बार, किस देवता का मंदिर पूरे विश्व में एक ही है। तो सोचिए और ढूंढिए, अगर ना मिले तो वीडियो को अंत तक देखिए, अंत में इसका जवाब मैं दे दूंगा। तो चलिए बहनों भाइयों, आज विश्व नारियल दिन है, आज विश्व यानी वर्ल्ड कोकोनट डे है। तो आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आज का दिन आपको मंगलमय शुभ रहे, यही शुभकामना के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो दिन विशेष, जिसमें ये रहे 2 दिसंबर की कुछ ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1920 में महात्मा गांधी जी का ब्रिटिश सरकार विरुद्ध असहकार आंदोलन। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड का डांजिक शहर जीता, जो दूसरा महायुद्ध जारी था। 1945 में वियतनाम देश ने जापान और फ्रांस से आज़ादी प्राप्त की, और हो ची मिन इन्होंने गणराज्य की घोषणा की। 1946 में भारत में आंतरिक सरकार की स्थापना हुई। 1960 में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का पहला चुनाव हुआ। 1999 में भारतीय जलतरण खिलाड़ी बुला चौधरी इंग्लिश खाड़ी तैरकर पार करने वाली, और वो भी दो बार, जी हाँ दो बार पार करने वाली एशिया की पहली महिला बनी। 1573 में अकबर ने गुजरात फतेह किया। 1775 में पहले अमरीकी युद्ध पोर्ट हाना का जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन ने जलावतरण किया। 1789 में अमरीका में राजस्व विभाग बनाया। 1865 में इंग्लैंड का माउरी युद्ध समाप्त हुआ। 1867 में नेदरलैंड के हार्लेम नेथ यहाँ पर पहला गर्ल्स स्कूल खोला गया। 1898 में स्पेन अमेरिका युद्ध में पहली बार ऑटोमेटिक मशीन गन का इस्तेमाल किया गया। 1903 अमेरिका में पहली हर्ली डेविसन बाइक का व्यावसायिक तौर पर निर्माण किया गया। 1926 में इटली और यमन के बीच हुए समझौते के तहत लाल सागर तट पर इटली का वर्चस्व कायम रहा। 1945 में जापान द्वारा हार स्वीकार करने पर द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ। 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा को हथियार देने पर राजी हुए। 1969 अमेरिका के न्यूयॉर्क में
पैसे निकालने वाली मशीन ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी एटीएम को पहली बार दुनिया के सामने पेश किया गया। 1970 में कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक का उद्घाटन हुआ। 1992 अमेरिका और रूस अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण के लिए संयुक्त बनाने के लिए सहमति दे दी। 1998 डरबन में 12वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का नेल्सन मंडेला द्वारा उद्घाटन हुआ। 2007 अल्बानिया विश्व का पहला रासायनिक हथियार युक्त राष्ट्र बना। 2008 कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीएन अस्थाना को उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सरस्वती सम्मान देने की घोषणा हुई। तो ये हुए भाई आज की ऐतिहासिक घटनाएं जो 2 सितंबर के रहे। अब आज के जन्मदिन धार्मिक गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती 1924, सिंगर अनुपमा 1968, स्वतंत्रता सेनानी चुन्नी भाई वैद्य 1917, गुरु तत्वज्ञ भक्ति विनाडो ठाकुर 1838, नोबेल पारितोषिक विजेता जर्मन रसायन शास्त्रज्ञ विल्हेम ऑस्टवाल्ड 1853, नोबेल पारितोषिक विजेता इंग्लिश रसायन शास्त्री फ्रेडरिक सॉडी 1877, साहित्यिक विचारवंत अस्पृश्यता निवारण हेतु कार्य करने वाले समाज सुधारक श्रीपाद महादेव तथा श्रीमा माटे 1886, केनिया के राष्ट्राध्यक्ष डैनियल अराप मोई 1924, स्नैपल के संस्थापक अर्नोल्ड ग्रीनबर्ग 1932, अभिनेत्री साधना शिवदासानी यानी साधना 1941, अमरीकी लॉन टेनिस खिलाड़ी जिमी कॉर्नर्स 1952, अफगानिस्तान के उपराष्ट्राध्यक्ष और विदेश मंत्री अहमद शाह मसूद 1953, दिग्दर्शक पटकथा लेखक पार्थो सेनगुप्ता 1965, अभिनेता और पॉलिटिशियन पवन कल्याण 1971, क्रिकेट खिलाड़ी ईशान शर्मा 1988, गायक इश्किंद सिंह 1988, इनकी मृत्यु 29 जुलाई 2008 में यानी सिर्फ 20 वर्ष की आयु इन्हें प्राप्त हुई। समाज सुधारक पत्रकार टी के माधवन 1885, गायक कंपोजर तत्वज्ञ तोची रैना 1971, अभिनेत्री और फिल्म डायरेक्टर अलका कौशल 1969, पॉलिटिशियन एकनाथ खड़से 1952, भारतीय रेलवे चालक ड्राइवर सुरेखा यादव 1965, लेखिका शुभदा गोप्ते 1943, क्रिकेट खिलाड़ी प्रशांत नाइक 1986, विचित्र वीणा वादक और सितार वादक अनुराग सिंह 1966। तो ये हुए आज के जन्मदिन। अब आज के स्मृति दिन, इथोपिया का सम्राट दाविद दूसरा 1540, आयरिश गणितज्ञ विलियम रोवन हैमिल्टन 1865, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के स्थापक पियरे डी कॉबर्टिन 1937, वनस्पति तज्ञ विज्ञान वर्धिनी महाराष्ट्र के संस्था के संचालक डॉक्टर शंकर पुरुषोत्तम आघारकर 1960, वियतनाम के पहले राष्ट्रपति हो ची मिन 1969 में इनकी मृत्यु हुई। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित उपन्यासकार वी स खांडेकर तथा वी एस खांडेकर 1976, लेखक
नरहर शेषराव पोहनेरकर 1990, चित्रकार लेखक डी रेगे 1999, आंध्र प्रदेश की 14वें मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी 2009 इनकी विमान हादसा में मृत्यु हुई। मराठी संगीतकार श्रीनिवास खले 2011, भारतीय वकील पॉलिटिशियन गोपाल निमाजी वाहनवटी 2014, विद्वान साहित्यकार शिक्षातज्ञ और इलाहाबाद तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलगुरु अमर झा 1955, विश्व का पहला कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण करने वाले दक्षिण अफ्रीका के महान हृदय विशेषज्ञ और सर्जन क्रिस्टियन बर्नार्ड 2001 में इनकी मृत्यु हुई। तमिल पार्श्व गायक भक्तियाराज तथा बम्बा बक्या 2022, शास्त्रीय गायक पद्मभूषण से सम्मानित TV शंकर नारायण 2022 और उत्तर प्रदेश के राजनीतिज्ञ रामवीर उपाध्याय 2022। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष। इसी के साथ ही आज के दिन विशेष खत्म करते हैं। लेकिन आज का सवाल जिसका जवाब देना बाकी है, तो सवाल यह है, किस देवता का मंदिर पूरे विश्व में सिर्फ एक ही है? तो ये है इसका जवाब। जवाब है ब्रह्मदेव। जी हाँ बहनों भाइयों, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव, इनका विश्व में सिर्फ एक ही मंदिर है और वो है राजस्थान के पुष्कर शहर में। जी हाँ, ब्रह्मदेव की पत्नी माता सरस्वती ने दिए शाप के कारण और तथा अन्य कुछ कारणों के द्वारा कारणों की वजह से इनका ना सृष्टि में मंदिर है और ना इनकी पूजा की जाती है। सावित्री की छोटी सी एक रोचक कथा है। ब्रह्मदेव हंस अपने वाहन हंस पर कमल हाथ में लेकर यज्ञ करने के लिए योग्य जगह ढूंढने के लिए निकले और उनके हाथ से एक जगह पर उनका कमल गिर गया। जहां पर कमल गिरा वहां झरना तैयार हो गया और झरने से 3 सरोवर निर्माण हुए, जिस सरोवर को विष्णु पुष्कर, शिव पुष्कर और ब्रह्म पुष्कर कहा जाता है। उन्होंने वहां पर उतर कर देखा तो यहां पर सरोवर निर्माण हो गए। ब्रह्म ने ठान लिया कि भाई यहीं पर यज्ञ करेंगे, लेकिन यज्ञ करने के लिए पत्नी सावित्री साथ में होना जरूरी था और वहाँ पर सावित्री उपस्थित नहीं थी। सावित्री माता को बुलाने में और वहाँ उपस्थित करने में वक्त जाने वाला था और इतना वक्त नहीं था, शुभ मुहूर्त टल जाता था, इसलिए वहीं पर उपस्थित एक स्त्री के साथ ब्रह्मा जी ने शादी की और वहीं पर उन्होंने यज्ञ पूरा किया। ये बात जब सावित्री माता को समझ में आई तो सावित्री माता नाराज हुई और उन्होंने शाप दे दिया कि उनका सृष्टि में कोई मंदिर नहीं होगा और दुनिया में उनकी कोई पूजा नहीं करेगा। तब से पुष्कर में सिर्फ एक मंदिर है, वरना इनका मंदिर नहीं और कहीं पूजा भी नहीं होती है। तो अन्य कोई और रोचक कथाएं भी इनके साथ जुड़ी हुई हैं, आप गूगल सर्च कीजिएगा, आप सभी कथाएं आपको मिल जाएंगी। तो चलिए बहनों भाइयों, आज की वीडियो कैसी लगी और आज की जानकारी कैसी रही? तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर नए हो, और आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बहनों भाइयों। तो चलिए अब लेता हूँ विदा, कल मिलने का करता हूँ वादा, तो दीजिएगा आज्ञा श्री नारायण को। नमस्कार, आदाब।